हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लीडिंग देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग आपका प्रेगनेंसी का है या फिर आपका पीरियड्स का है। कई बार बहुत सारे महिलाओं को पीरियड के टाइम पर थोड़ा बहुत स्पॉटिंग होता है और माइल्ड से ब्लीडिंग होता है और वो समझ लेते हैं कि उनका पीरियड हो गया है। और जो भी महिलाएँ प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं, अगर उनको ब्लीडिंग होता है तो वो समझते हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और वो कंसीव कर लिए हैं। क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि जो प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग है और पीरियड्स का ब्लीडिंग है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा महिलाएं कन्फ्यूजन में होते हैं और बहुत कमेंट्स में मुझे इसी के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग आपका पीरियड्स का था या फिर प्रेगनेंसी का था। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका एग और स्पर्म मिल जाते हैं यानी कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग दिख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। लगभग 100 में से 20 या 30% महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है और ये इतना हल्का होता है कि बहुत सारे महिलाएं इसे पहचान भी नहीं सकते हैं। तो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 1 से 2 दिन या फिर 1-2 घंटे के लिए ही होता है। ये ब्लीडिंग इतना हल्का होता है कि सिर्फ एक दाग या धब्बे की तरह ही दिखता है और इसमें आपको पैड लगाने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका कलर भी पीरियड के फ्लो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इसका कलर लाइट पिंक या फिर लाइट ब्राउन हो सकता है और ये रेड कलर का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ब्लीडिंग इतना हल्का होता है कि वो रेगुलरली पास नहीं होता है। जब आप यूरिन करने जाते हैं तब यूरिन के साथ ही थोड़े बहुत दाग या धब्बे या फिर थोड़े बहुत 1-2 ड्रॉप का जो ब्लीडिंग है वही आपको नज़र आ सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का, वो है कि इस ब्लीडिंग में आपको कभी भी क्लॉट्स नहीं आते हैं। पेन बहुत माइल्ड होता है और ये जो पेन है वो पेट के निचले हिस्से यानी कि नाभि के आसपास के एरिया में हो सकता है और ये बहुत मीठा मीठा दर्द जैसा लगता है। इस पेन का जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होता है। लेकिन जो पीरियड का ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसमें ब्लड क्लॉट्स भी आ सकता है और ये जो फ्लो है 3 से लेकर 7 दिन तक हो सकता है। इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड का होता है। जब आपका पीरियड आने वाला होता है यानी कि ड्यू डेट से 1 दिन पहले आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है और उसके बाद आपका पीरियड फ्लो तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। और जो पीरियड का फ्लो होता है उसमें इंटेंस पेन होता है और पीरियड में पैड लगाने की भी ज़रूरत होता है क्योंकि पीरियड से पहले आपको 1-2 पिंपल भी आ सकते हैं। आपको काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। जनरली जो क्रैम्प होता है पीरियड का वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। वो जांघों में, टांगों में, आपके पूरे बदन में, पेट के जो निचले हिस्से हैं वो भी बहुत ज़्यादा मरोड़ उठता है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अगर हो वो जो क्रैम्प होता है वो बहुत हल्का हल्का होता है और ये वो तो टॉलरेबल होता है। लेकिन पीरियड का जो पेन होता है वो बिल्कुल भी अनटॉलरेबल हो। बहुत सारे जो महिलाएं हैं इस समय पेन किलर लेने की भी ज़रूरत पड़ सकता है। अगर आपका पीरियड का टाइम आ गया है यानी कि ड्यू डेट हो गया है और आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग नज़र आ रहा है और उसके बाद आपको पीरियड का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि ये आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। लेकिन अगर आपको पीरियड के 1-2 दिन के पहले माइल्ड स्पॉटिंग हो रहा है और उसके 1-2 दिन के बाद आपका फ्लो शुरू हो जाता है और वो लगभग 2 से 3 दिन तक चलता है तो ये पीरियड का फ्लो है। चलिए हम जानते हैं कि ये इम्प्लांटेशन का जो ब्लीडिंग है वो आपको कब नज़र आ सकते हैं ताकि आपको आसानी होगी पहचानने में कि ये इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका साइकिल लेंथ 28 से 32 डेज़ का है तो आपका जो ओवुलेशन है वो लगभग 14 से लेकर 16 डेज अराउंड हो सकता है। तो इस दौरान अगर आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके 5 से लेकर 7 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है और आपको 22 से लेकर 28 डेज तक ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नज़र आ सकते हैं। यानी कि पीरियड्स के 3-4 दिन पहले या फिर पीरियड के आसपास के दिन ही आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग नज़र आ सकता है, लेकिन स्पॉटिंग होने के बाद आपका पीरियड मिस भी हो जाता है। तो इससे ही आप पता कर सकते हैं कि ये जो ब्लीडिंग था वो इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग था या फिर पीरियड्स का ब्लीडिंग था। अगर फिर भी आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग था या फिर पीरियड का ब्लीडिंग था तो कुछ सिम्टम्स भी आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर में भी ड्रॉप डाउन हो सकता है क्योंकि ओवुलेशन के टाइम पर आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री गिर जाता है। तो अगर आप इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेली बेड से उठने से पहले अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसे नोट डाउन कीजिए। तो अगर आपका पीरियड आने के 3-4 दिन पहले आपके बॉडी टेम्परेचर में 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री ड्रॉप डाउन होता है
और साथ ही साथ आपको स्पॉटिंग नज़र आता है या फिर आपको जो प्रेगनेंसी के और जो सिम्टम्स है नज़र आ रहे हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग है या नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि ब्लीडिंग देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी का था या फिर पीरियड्स का था। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। अगर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं या फिर अनुराधा केयर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी तक मिलती रहे।